गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 9 सोर्सेस ऑफ वाटर के एक्सरसाइज टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को डेट एंड डायमेंशन करना है, देन हैवी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट एनी टू वेज टू क्लीन वाटर। आपको पानी को क्लीन करने के बाद वाटर क्लीन करने के टू वेज लिखने हैं, बॉइलिंग फिल्टरिंग विथ क्लोर। टू टाइप से आप कर सकते हैं इसको क्लीन, एक तो बॉइलिंग करके या फिर उसे फिल्टरिंग विद क्लोर या कपड़े से छान कर। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर एक्यूमुलेटिंग रेन वाटर नाउडेज। वर्षा के पानी को संग्रहित करने के लिए, संचय करने के लिए आजकल क्या बनाया जा रहा है, क्या कंस्ट्रक्टेड किया जा रहा है, किन चीजों का निर्माण किया जा रहा है, डैम्स का। वर्षा के पानी को बचाने के लिए, संचित करने के लिए डैम्स कंस्ट्रक्टेड किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द डैम वाटर। डैम वाटर का यूटिलाइजेशन उपयोगिता क्या है, क्या काम आता है वो, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एंड इरिगेशन सिंचाई के लिए। तो डैम का जो वाटर है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और इरिगेशन के लिए यूज में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, ऑन विच रिवर डैम कंस्ट्रक्टेड इन कोटा। कोटा में कौन से रिवर पर डैम कंस्ट्रक्टेड डैम बनाया गया है, चंबल रिवर। कौन सी रिवर पर बनाया गया है, चंबल रिवर। ये सभी क्वेश्चन आपको नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आपकी ईवीएस की नोटबुक में करने। थैंक यू।